हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 सैंपल पेपर 2023 का क्वेश्चन नंबर मैथ का 15 करेंगे। क्वेश्चन है मेरा, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ ए रेडियस 0.25 सेंटीमीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। बोल रहा एक कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा एक सर्कुलर व्हील को जिसका कि रेडियस 0.25 मीटर है और टोटल डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। इतना इसको ट्रेवल करने में वो कितना रिवॉल्यूशन करेगा इतना रेडियस के एक सर्कुलर व्हील। तो क्या करेंगे, इसका पहले सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे कि एक बार में वो अगर एक बार घूमेगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए सर्कुलर व्हील इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना करेगा तो 2πr करेगा। 2πr यानी कि 2 × 22/7 × रेडियस, ये मेरा 0.25 यानी कि 25/100। तो ये 4 से कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 11 कैंसिल, यानी कि 11/7 मीटर एक रिवॉल्यूशन में ये जाता है, ठीक। और टोटल है 11 किलोमीटर, इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे। टोटल डिस्टेंस बराबर 11 किलोमीटर यानी कि 11,000 मीटर, ठीक, 11,000 मीटर। अगर वो 11/7 मीटर एक रिवॉल्यूशन में जाता है, वॉल्यूशन में जाता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ से निकलेगा, 11/7 मीटर एक रिवॉल्यूशन में जाता है, तो 1 मीटर 1/11/7 यानी कि 7/11, इसको ऊपर करेंगे तो, और टोटल कितना 11,000 मीटर चलना है, तो 7 × 11 × 11,000 कर देंगे, तो ये 11 से 1 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि टोटल 7,000 रिवॉल्यूशन वो करेगा, तभी जाके वो 11 किलोमीटर ट्रेवल कर पाएगा। इतना वाल रेडियस अगर है किसी भी सर्कुलर व्हील का, तो 7,000 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बनाना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।